गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन, आज हम चित्र वर्णन करेंगे। तो बच्चों, वैसे तो ये हमने ऑनलाइन क्लासेस में भी किया हुआ है ना, तो कोई नहीं, एक बार हम फिर से इसको करते हैं। तो बच्चों, क्या है चित्र वर्णन? क्या होता है? चित्र को देख के हमने वर्णन करना होता है कि इसमें क्या क्या है, ठीक है, इस चित्र में क्या क्या है और उसके बारे में लिखना है। तो बच्चों, ये चित्र जरूरी नहीं है कि यहीं से आ सकते हैं, आपको बाहर से भी आ सकते हैं, आपकी रीडर बुक से भी वो ले सकता है, ये उसकी मर्जी है, वो चित्र कहीं से भी लिख सकता है। लेकिन बच्चों, आपने इतना ध्यान रखना है कि उस चित्र को देखकर जो उसके बारे में वो जो चीज वो आपको बता रहा है चित्र, आपने उसको सेंटेंसेस में लिख देना है जितनी वो पूछेगा। अगर उसने 3 लाइनें बनाई होगी, इट मीन 3 लाइनें लिखनी। अगर उसने 4 लाइनें दी होंगी, 4। अगर उसने मेंशन किया होगा, 3 लाइनें लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, फिर आपने उसी के मुताबिक लिखना है। तो चलो बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर कहानी लिखिए और कहानी को अच्छा सा नाम दीजिए, ठीक है। मैंने ये लिया प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? चित्र वर्णन। ये पेज नहीं मेंशन किए चित्र वर्णन के, ये जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखो, ये चित्र देखो, ध्यान से देखो इसको। इसमें क्या बताया गया है कि किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, ठीक है। इस चित्र को देखकर हम लिख रहे हैं। अब इस चित्र को देखकर हमारे मन में क्या आ रहा है कि उसी समय एक चूहिया अपने बिल से बाहर निकलकर शेर की पीठ पर उछल कूद करने लगी। उसकी उछल कूद से शेर की नींद खुल गई। क्लियर हुआ बच्चों? इसके आगे देखो, इस चित्र की ओर आइए। इस चित्र में क्या बताया गया है, ये देखो, इस चित्र में क्या बताया गया है कि शेर ने हाथ में किसको पकड़ा हुआ है? चूहिया को। अब चूहिया क्या कहती है? जरूरत पड़ने पर मैं भी आपके काम आऊंगी। आप इसको देखे हम क्या लिखेंगे, इस चित्र को देखकर हम क्या लिखेंगे? शेर ने गुस्से में आकर चूहिया को पकड़ लिया। चूहिया ने कहा, क्या कहा? मुझे छोड़ दो, जरूरत पड़ने पर मैं भी आपके काम आऊंगी। शेर ने उसे छोड़ दिया। अब देखो, ये शेर जाल में फंस गया है। अब ये क्या कह रहा है? कोई मेरी मदद करो। इसको हम कैसे लिखेंगे, चित्र को देखकर कैसे लिखेंगे? कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया और दहाड़ने लगा, कोई मेरी मदद करो। अब इस चित्र की ओर देखिए ध्यान से बच्चों। इसमें क्या बताया गया है कि शेर की दहाड़ सुनकर चूहिया, ये देखो चूहिया, वहां पहुंच गई और जाल को काट कर शेर को आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया। शेर ने उसका धन्यवाद किया। अब बच्चों, कहानी का नाम क्या लिखेंगे? वैसे तो इतना नहीं आता है, लेकिन उसने हमें ये कहानी के रूप में चित्र दिए गए हैं कि इस कहानी को कोई अच्छा सा नाम दो। तो हम इसको क्या नाम देंगे? शेर और चूहिया। अब इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? किसी को भी कम ना समझो, ठीक है बच्चों, किसी को भी कम ना समझो। अब इसका भावार्थ क्या है? हमेशा एक दूसरे की मदद करो। तो बच्चों, ये कहीं से भी आ सकता है आपको, ये नहीं कि यही आएंगे, आपको कहीं से भी वो डाल सकता है चित्र, जिसको इंग्लिश में आप करते भी हो, कंपोजिशन है ना, उसके ऊपर 2 लाइनें लिखो, 3 लिखो, ऐसे ये हिंदी में भी आपको बताया गया है। हम इसकी क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ धन्यवाद।